हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स को हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक एचएससी पर्सन हो तो आपको ये पता होगा कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स जो है वो बनाने होते हैं, और वो जो है वो आपको डिसाइड करना होता है कि आपके साइट पर जो भी एक्टिविटी चल रही है या फिर जो भी काम हो रहा है, तो एचएससी डिपार्टमेंट जो है वो किन चीजों में जो है वो कमी है और उसको वो डेवलप करना चाहता है। तो ऐसा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, और उसी प्रकार से उस ऑब्जेक्टिव को आपको पूरा करने के लिए टारगेट सेट करना होता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है वो लिखना होता है, उसका टारगेट जो डेट है वो यहाँ पर मेंशन करना होता है, और फिर उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव और टारगेट जब आप बना लेते हो तो इसका जो अप्रूवल है आपको प्रोजेक्ट मैनेजर से लेना होता है, ताकि ये उनको भी पता चल सके कि एचएससी डिपार्टमेंट जो है इस ऑब्जेक्टिव को टारगेट करके इसको कंप्लीट करना चाहता है। तो आपके सामने में ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स का ये एक फॉर्मेट है, ये एक एक्सेल शीट है। यहाँ पर सबसे पहले आपको नेम ऑफ रीजन में आपका जो रीजन है वो यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए कि आप एक्स वाई जेड रीजन में काम कर रहे हो, तो वो जो एक्स वाई जेड जो रीजन है यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ साइट, यानी कि आपकी जो भी साइट हो उसका जो है आपको यहाँ पर नाम लिखना है। फिर उसके बाद है यहाँ पर नेम ऑफ डिपार्टमेंट। अभी हम ऑब्जेक्टिव और टारगेट जो है वो एचएससी डिपार्टमेंट का बना रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर एचएससी डिपार्टमेंट जो है लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करने वाले हैं तो उसके लिए कौन सा रेफरेंस डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर हमें लिखना होता है। यहाँ पर है टारगेट, तो यहाँ पर क्वांटिटी में दिया है कि अभी जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है तो उसका प्रेजेंट लेवल क्या है और उसका अचीवेबल लेवल क्या है वो हमें डिसाइड करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है टाइम फ्रेम, यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव टारगेट्स है वो कब से इफेक्टिव है और उसका कंप्लीशन टाइम क्या है वो यहाँ पर हमें नोट डाउन करना होता है। और फिर लास्ट में आता है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें जो भी पर्सन इसको बना रहा है, जैसे एचएससी पर्सन इसको बनाता है तो एचएससी पर्सन का डिसिग्नेशन हम यहाँ पर डाल सकते हैं और डिपार्टमेंट यहाँ पर एचएससी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स का फॉर्मेट होता है। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मेट को हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा इसमें हम लिख सकते हैं टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फर्स्ट एड इंजुरीज, यानी कि अगर आपके साइट पर फर्स्ट एड इंजुरीज अगर ज्यादा हो रही है तो उसको रिड्यूस करने का जो है वो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो इसके लिए जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स है तो इसके लिए आप लिख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट एड रजिस्टर। फिर उसके बाद उसका जो प्रेजेंट लेवल है वो यहाँ पर आपको जो है लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका 70% है और हमें जो है इसका टारगेट जो है वो अचीव करना है वो है 80%। फिर उसके बाद हमें लिखना होता है यहाँ पर टाइम फ्रेम, तो ये जो है ये कब से इफेक्टिव है और इसकी कंप्लीशन डेट क्या है वो यहाँ पर हमें लिखनी होती है। तो मानते हैं कि आज की जो डेट है वहां से लेके हमें 3 महीने का जो है यहाँ पर टारगेट जो है वो डिसाइड करना होता है। तो आज की जो डेट है वो हम यहाँ पर लिखते हैं और इसका कंप्लीशन जो टाइम है वो 3 महीने के बाद जो है हमें यहाँ पर डिसाइड करना होता है। तो इस प्रकार जो है हमने यहाँ पर इसका टाइम फ्रेम जो है वो लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें डेसिग्नेशन लिखना होता है, तो जो एचएससी पर्सन है उसका यहाँ पर खाली डेसिग्नेशन यहाँ पर लिखना है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिपार्टमेंट में एचएससी डिपार्टमेंट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमें जो नंबर ऑफ फर्स्ट एड इंजुरीज है उसको रिड्यूस करना है, और उसके लिए हमारे पास जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट है वो है फर्स्ट एड रजिस्टर। अभी प्रेजेंटली उसका जो लेवल है वो है 70% और हमें इसको जो है 3 महीने के अंदर 80% पर लेकर जाना है। चलिए अब हम देखते हैं कि हम जो है दूसरा ऑब्जेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर में यहाँ पर 2 नंबर डालेंगे। यहाँ पर हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है कि सेफ्टी अवेयरनेस जो वर्कमैन की है वो यहाँ पर हमें इंक्रीज करनी है, ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए जो हमारे पास रेफरेंस डॉक्यूमेंट है वो है ट्रेनिंग रिकॉर्ड। अब इसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है, मान लीजिए कि हमारा जो है यहाँ पर 50% है, ठीक है, और इसको हमें जो है अचीव करना है 80% पर लेकर जाना है, और इसका जो है हमें सेम जो है 3 महीने का इसको भी हमें टारगेट देना है। तो इसको ही हम ऊपर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, इसको भी जो है कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, डिसिग्नेशन वही आएगा जो सेम है, इसको भी हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और डिपार्टमेंट भी जो है वो यहाँ पर सेम आएगा। फिर उसके बाद लास्ट में हमें यहाँ पर जो पर्सन यहाँ पर प्रिपेयर करता है उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे उनका यहाँ पर नाम लिखना है, और उनसे जो है हमें यहाँ पर अप्रूवल लेना है कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको हमें ये टारगेट दिया है और इसको जो है हमें अचीव करने के लिए आपकी मदद चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव और टारगेट जो हमने बनाया है वो उनके नॉलेज में भी ये चीज रहती है। यहाँ पर जब आप बनाते हो तो उसका जो है डेट आपको डालना है। तो
तो इस प्रकार जो है आप अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है और टारगेट्स है वो यहाँ पर बना सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।